नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मिशन नीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किस तरह से इसका प्रिपरेशन आप लोगों को स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही बुक्स फॉलो करना है दोस्तों, यही इसका सब कुछ है, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्या होता है? तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा पब्लिश किए हुए बुक्स है। इसमें ये सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं नीट के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं किताबों को ही पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे नीट में क्या होता है, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। बात करेंगे इन किताबों के पन्ने की, इसमें कितने पेजेसेस होते हैं, कितने पन्ने होते हैं। तो यहाँ पे 11वीं प्लस 12वीं के कुल मिला के पेजेस कितने, देखो बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसके 343 11वीं के और 286 12वीं के कुल मिला के पेजेस, 629 पेजेस हमें पढ़ना है। बात करेंगे फिजिक्स की तो इसके 11वीं और 12वीं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की बात करेंगे तो ये 410 11वीं के और 558 पेजेस होंगे 12वीं के। तो ये कुल मिला के 968 पेजेस हमें पढ़ना है। बात करेंगे केमिस्ट्री की पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की 11वीं और 12वीं के लिए, तो 430 पन्ने 11वीं से और 472 पेजेस 12वीं से, तो कुल मिला के 902 पेजेस हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए। अब इन सब का अगर कुल कर दिया जाए, कुल मिला के ये होंगे 2499 पेजेस दोस्तों। तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली 2500 पेजेस पकड़ लेते हैं तो 2500 पेजेस हमें पढ़ने हैं नीट की तैयारी के लिए, ठीक है। तो अगर हम प्रण कर ले कि हमें डेली रीडिंग करनी है और डेली सिर्फ 10 पेजेस ही पढ़ने हैं, इस 2500 में से कितना पेजेस पढ़ना है, डेली 10 पेजेस ही पढ़ना है, तो सिलेबस हमारा कितना दिनों में कंप्लीट होगा? तो 2500 पेजेस डिवाइडेड बाय 10 करिएगा, ये 250 दिनों में आपका पूरा रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 250 दिनों में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये टोटल टाइम हमारे पास कितना है। देखो, अगर आप 11वीं के स्टूडेंट हो अभी, तो 11वीं प्लस 12वीं के 2 साल आपके पास है, यानी 365 प्लस 365, यानी कुल मिला के 730 दिन आपके पास है इन 2500 पेजेस को पढ़ने के लिए। तो देखेंगे तो हमारे तो 250 दिनों में ही खत्म हो रहे हैं ना 2500 पेजेस, तो आपके पास एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे हैं? तो ये 700 दिन, 30 दिन में से 250 दिन निकाल दीजिए तो 480 दिन आपके पास एक्स्ट्रा दिन है, जिसमें आप रिवीजन लगा सकते हो, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, फार्मूला को रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप 480 दिनों में कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि इसके नीट के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, नो नीड टू परचेज द एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं। देखो, एक्स्ट्रा बुक्स में क्या समस्याएं होती है, अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स लेंगे तो उसके एक्स्ट्रा पेजेस बढ़ जाएंगे। हमारा यहाँ पे 2500 का टोटल है, तो आप बुक्स लेकर के आ रहे हो मार्केट से तो आपका पेजेस का टारगेट बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब किताबें ला रहे हो तो मनी वेस्ट हो जाएगा, अब उनको पढ़ना भी है तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा दोस्तों। आप बोलोगे इसमें ये दिया है कंसेप्ट, उसमें वो दिया है, उसमें वो दिया है, तो एक ही कंसेप्ट अलग अलग जगहों से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा दोस्तों, है ना, और टेंशन भी बढ़ेगा। जैसे मुझे इतना सिलेबस खत्म करना था, 6 बुक्स है मेरे पास, 3 पढ़ चुका हूँ, 3 बाकी है, तो इस तरीके का टेंशन भी आपको बढ़ेगा। ज़्यादा किताबें आपको के सामने देखेगी तो टेंशन आ ही जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करना है दोस्तों, कोई भी किताब नहीं लानी है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बात करेंगे ट्यूशंस और क्लासेस लगाने चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, उसे पॉजिटिवली लेना है। देखो, ट्यूशन और क्लासेस लगाने में क्या दिक्कत होगी, एक तो मनी प्रॉब्लम होगा, सेकंड थिंग आपका ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होगा। जैसे आप कॉलेज खत्म करते हो, आपको क्लास को जाना होता है, आपके पास गाड़ी होना, साइकिल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आने जाने में भी टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। देखो, हम कॉलेज जाए, क्लास जाए या खुद घर पे पढ़े, है ना, तो पढ़ना तो वही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट को हम 3 जगह जाकर के पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है तो घर पे ही क्लियर कर लो, तो ठीक है। तो ट्यूशंस और क्लासेस आप अफोर्ड कर सकते हो तो करिएगा, अगर नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप एक ही कंसेप्ट को 3 बार घर पे ही पढ़ सकते हैं, उतना टाइम आपका बच जाएगा, पैसा भी बचेगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, है ना। और बात करेंगे एमसीक्यूज की,
ठीक है, एमसीक्यूज की भी बहुत सारी किताबें मार्केट में मिलती है, लेकिन इस पर आपने बिल्कुल खर्चा नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यूज क्या है, एक ही कंसेप्ट है, उस पर कितने भी सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं ना। तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे हम बोलेंगे शिव जी और पार्वती जी का जो सन है, गणेश जी है ना, या फिर हम बात करेंगे हमारे भारत देश के जो पंत प्रधान है वो नरेंद्र मोदी जी है, अगर ऐसी एक कंसेप्ट है, तो अगर ये कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए तो इस पे आप कोई भी सवाल बना दीजिएगा। जैसे भारत के पंत प्रधान कौन है, नरेंद्र मोदी जी भारत के क्या है, नरेंद्र मोदी जी पंत प्रधान है कौन से देश के, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन देखिए कंसेप्ट तो एक ही है, तो मान लीजिएगा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप कैसा भी सवाल हो आप आंसर सही लगाओगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कितना भी क्वेश्चंस कर लो गलत ही होगा। तो बात क्या है, कंसेप्ट की बात है, तो ये जो कंसेप्ट है ना इस पर फोकस करना है, आपका टाइम जो है वो बहुमूल्य है, उसको खर्चा नहीं करना है ऐसे एमसीक्यूज के बुक्स के ऊपर, तो आप उसको खर्चा करना है एनसीईआरटी के बुक्स पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर करिएगा दोस्तों। ठीक है, टारगेट रखना है सिर्फ 2500 पेजेस का, उसे ही कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो 10 आवर्स रीडिंग ऑफ 10 पेजेस, हम ना आप लोग आपका 10 घंटा दोगे ये 10 पेजेस पढ़ने के लिए एक दिन में, तो उसमें आपने चाहे वो 10 पन्नों में थेरी हो, चाहे वो 10 पन्नों में प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो 10 पन्नों में फार्मूलाज हो, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। अब कोई बच्चे होशियार होते हैं ये 10 पेजेस तो वो 3 घंटे में 4 घंटे में फिनिश कर दे, कोई थोड़ा सा डल होते हैं तो वो उनको 5 6 घंटा लगेगा, कोई और डल होता है तो 7 8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो भी बचा हुआ टाइम है, किसी के 2 घंटे बचेंगे, किसी के 4, किसी के 5, तो उस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में इन्हीं 10 पेजेस को रिवीजन करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फोकस करना है, उनको हाइलाइटर से आपने टिक करना है, और कुछ जैसे ही नोट्स बना सकते हो साइड बाय साइड, तो अपना एक नोटबुक में नोट्स भी बना लीजिए उन्हीं 10 पेजेस के, और ट्राई टू प्रिपेयर क्वेश्चंस, तो आपके हिसाब से आप खुद ही क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उस तरीके से आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से बना सकते हो, कि ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, इसका जवाब ये होना चाहिए, तो ऐसे आप क्वेश्चंस की भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन ये आपको उसी 10 घंटे में करना है, 10 आवर्स में ही वो 10 पेजेस पर आपको चिंतन करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और मैं फिर से एक बार बोलूँ आपको, ट्रस्ट मी एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, आपको इसे छोड़कर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, उसी को रिवीजन लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे हाउ टू रीड, हाउ टू फोकस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे आप अगर नए हो नीट के लिए, तो आपने क्या करना है, नीट के थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लीजिएगा, उसको थोड़ा लुक ओवर करना है, देख लेना है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको एक आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि क्या करना है ना, ये प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपके दिमाग में आइडियाज इग्नाइट होना शुरू हो जाएंगे, आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से पढ़ने का एक नज़रिया आ जाएगा दोस्तों। तो आपने इसी तरीके से स्टार्ट करना है पढ़ाई के लिए, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना है फटाक से, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस देख लेना है ये फिजिक्स से आया था, ये बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के किस तरीके के आते हैं, तो आपको एक आ जाएगा नज़रिया दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो फिर कल से दोस्तों यहाँ पे हम भी आप लोगों के साथ में डेली 10 पेजेस की रीडिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे चैनल पे वो 10 पेजेस को डिस्कस किया जाएगा, व्हाट विल वी रीड, है ना, हम क्या पढ़ेंगे, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा, वो हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में पहले ही अपलोड किया जाएगा, कमेंट किया जाएगा, तो उसी सब्जेक्ट को या फिर जो भी टॉपिक हमने कम्युनिटी बॉक्स में लिखा है उसी को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। हर रोज 10 पेजेस का रीडिंग किया जाएगा यहाँ पे, तो मिशन नीट जो है हमारा ये 2500 2500 पेजेस का, रोज 10 पेजेस हमें रीड करना है, तो ये 250 दिन का जो भी हमारा मिशन है हम इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन लोगों ने हमारे साथ में कनेक्ट रहना है और हमारे साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, और अगर ऐसा करना है आपको तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है, और उसके बाद ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों, इससे क्या होगा हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है मिशन नीट, ये आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।